तो दोस्तों ये है मेरे पास आज दो बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। पहला है बोट एयरडॉप्स 170 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स एंड दूसरा है नॉइस बड्स कॉम्बैट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। और अगर आप सभी इन दोनों ईयरबड्स को लेकर कंफ्यूज हो कौन सा वाला ले, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इन दोनों ईयरबड्स का फुल डिटेल कंपैरिजन बताने वाला हूं। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको दोनों में से कौन सा वाला ईयरबड्स को बाय करना चाहिए। तो बात करें दोनों ईयरबड्स के प्राइस को, तो गाइज ये जो दोनों ईयरबड्स आप सबको सेम प्राइस यानी कि 1500 रुपये की रेंज में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉइस बड्स कॉम्बैट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स के चार्जिंग केस का फिजिकल ओवरव्यू। तो यहाँ आप सबको फ्रंट में नॉइस का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं एंड ये जो चार्जिंग केस है फुली ओवरऑल मैट फिनिशिंग में आता है, तो इस पर आप सबको किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही में आप सबको यहाँ पे बैक साइड में एक रीसेट का बटन भी देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हैं, और ये एक इसका प्लस पॉइंट मुझे लगा। नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आप सबको चार्जिंग के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और जब हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हैं तो यहाँ फ्रंट में आप सबको एलईडी लाइट इंडिकेशन ऑन हो जाता है जो कि इसके लुक और डिजाइन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। और बात करें इसके इंटरनल लुक और डिजाइन के, तो यहाँ पे आप सबको अंदर में ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आता है जो कि इसके लुक और डिजाइन को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना देता है। साथ ही में अगर हम बात करें ओवरऑल इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग इसके चार्जिंग केस की और इसके ईयरबड्स की जो बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, लेकिन यहाँ पे इसके हिंच क्वालिटी मुझे थोड़ा सा लूज लगा। अगर हम बात करें इसके ईयरबड्स के लुक और डिजाइन की, तो ये जो ईयरबड्स है आप सबको इन ईयरबड्स में मिलते हैं जिसमें आप सबको सिलिकॉन के ईयर टिप्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। एंड ओवरऑल ये भी जो ईयरबड है टोटली फुली मैट फिनिशिंग में आता है एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आप सबको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ फ्रंट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आप सबको एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, नॉइस की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में आपको इसमें टच कंट्रोल का भी फीचर मिल जाते हैं। और अब हम बात कर रहे थे इसकी फिटिंग एंड कंफर्टेबल के मामले में, तो यहाँ पे इसकी फिटिंग एंड कंफर्टेबल मुझे काफी सही लगा, गिरने के जो चांस है बिल्कुल कम हो जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बोट एयरडॉप्स 170 ईयरबड्स के चार्जिंग केस का फिजिकल ओवरव्यू। तो इसमें भी आप सबको फ्रंट में बोट का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आप सबको यहाँ नीचे में आप सबको एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप सबको इसका चार्जिंग केस का जो बैटरी परसेंटेज है उसका आइडिया लग जाता है। एंड ओवरऑल ये भी जो चार्जिंग केस है आप सबको फुली मैट फिनिशिंग में आता है, तो इसमें आप सबको किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। एंड इसके चार्जिंग केस के पीछे आप सबको किसी भी तरह का रीसेट का बटन देखने को नहीं मिलते हैं जो कि एक माइनस पॉइंट है, और नीचे की साइड आप सबको इसमें भी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ से हमारा जो चार्जिंग केस है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद इसका जो इंटरनल लुक और डिजाइन है वो कुछ इस टाइप से आप सबको देखने को मिल जाते हैं। तो ये अंदर से भी आप सबको फुली व्हाइट कलर में ही देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी ज्यादा डिसेंट आप सबको मिल जाते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और बात करें हम बोट एयरडॉप्स 170 ईयरबड्स के लुक और डिजाइन में, तो ये भी जो ईयरबड आप सबको इन ईयरबड में आते हैं जिसमें आप सबको सिलिकॉन के ईयर ट्यूब्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, और इसमें भी आप सबको एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, टच कंट्रोल मिल जाते हैं एंड बोट लोगों की जो ब्रांडिंग है वो भी आप सबको देखने को मिल जाते हैं। और ये भी जो ईयरबड आप सबको फुली मैट फिनिशिंग में आते हैं, तो इस पर भी आप सबको स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। एंड बात करें इसके भी हम फिटिंग एंड कंफर्टेबल में, तो यहाँ पे इसके भी फिटिंग एंड कंफर्टेबल मुझे काफी सही लगा, गिरने के जो चांस है बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नॉइस बड्स कॉम्बैट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में। तो इसमें आप सबको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाते हैं, गेमिंग के लिए आप सबको इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी 40 ms की मिल जाती है जो कि काफी बेस्ट है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड इसमें आप सबको टच कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, IPX5 का स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके बैटरी प्ले टाइम की, तो यहाँ पे आप सबको 45 hours का बैटरी प्ले टाइम मिल जाते हैं जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। और बात की जाए बोट एयरडॉप्स 170 ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में, तो इसमें भी आप सबको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलते हैं, गेमिंग के लिए इसमें आप सबको 50 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाती है जो कि नॉइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं आप सबको इसमें भी वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, टच कंट्रोल मिल जाते हैं, IPX4 का स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। और बैटरी प्ले टाइम की बात की जाए, तो इसमें आप सबको 50 hours का बैटरी प्ले टाइम मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं दोनों ईयरबड्स में से साउंड क्वालिटी किसका सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो पर्सनली मैंने दोनों ईयरबड्स को काफ़ी दिनों से यूज़ किया है, तो यहाँ पे बोट एयरडॉप्स 170 ईयरबड्स की जो साउंड क्वालिटी है म्यूज़िक के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप सबको बेस एंड ट्रेवल काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया है, काफ़ी अच्छी आप सबको साउंड क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन गेमिंग के लिए आप सबको इसमें लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं,
वहीं बात करें नॉइज बड्स कॉम्बैट ईयरबड्स की, तो यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी के मामले में लाउडनेस काफी अच्छा है, लेकिन बेस और ट्रैवल आप सबको एवरेज ही मिलते हैं। लेकिन बात की जाए गेमिंग के लिए, तो इसमें आप सबको 40 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाते हैं, और गेमिंग के लिए भी बेस्ट ईयरबड में आप सबको होगा तो नॉइज बड्स कॉम्बैट ईयरबड को बाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप सबको दोनों ईयरबड्स में से कौन सा वाला ईयरबड ज्यादा बेस्ट लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप सबको इन दोनों ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।